हेलो एवरीवन, मैं हूं खुशवंत सिंह और आज का वीडियो है उनके लिए जिन्होंने रिसेंटली CSI क्रैक किया है। आज मैं डिस्कस करूंगा एडमिशन प्रोसीजर्स के बारे में, आप कैसे अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करें, कैसे अपना गाइड सेलेक्ट करें और कैसे अपने PhD इंटरव्यू के लिए तैयारी करें। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन प्रोसीजर्स के बारे में। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स जैसे कि IIC बैंगलोर, IITs, CSIR लैब्स ये साल में 2 बार एडमिशन्स लेते हैं, जिसको यूजली समर सेशन और विंटर सेशन कहा जाता है। रिसर्च इंस्टीट्यूट्स प्रीफर करते हैं 4-tier एडमिशन प्रोसीजर, जिसमें वो इंक्लूड करते हैं रिटन टेस्ट, जर्नल ग्रुप डिस्कशन, रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंटेशन और पर्सनल इंटरव्यूज़। जबकि यूनिवर्सिटीज़ अपने PhD एडवर्टीजमेंट साल में किसी भी वक्त निकाल लेते हैं, जिस कारण आपको पूरे साल उनकी ऑफिशियल वेबसाइट को रेगुलरली चेक करना पड़ता है। और ये लोग यूनिवर्सिटीज़ प्रीफर करती हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पे एडमिट करना, जो कि पर्सनल इंटरव्यू को भी ऐड कर सकते हैं आफ्टर शॉर्टलिस्टिंग द स्टूडेंट्स। और मैं पर्सनली आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इंस्टीट्यूट को प्रीफर करें, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल फैसिलिटीज़ और इंस्ट्रूमेंटल फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं यूनिवर्सिटीज़ के मुकाबले। अब बात करते हैं कि आप अपने PhD के लिए रिसर्च इंस्टीट्यूट को कैसे सेलेक्ट करें। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है, आप गूगल पे जाएं, आप इंस्टीट्यूट की रैंक्स चेक करें और उस बेसिस पे आप एक लिस्ट बनाएं। अब उस लिस्ट के अकॉर्डिंग आप हर इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं और उनकी एनुअल रिपोर्ट्स को चेक करें। इससे आपको ये पता चलेगा कि उन इंस्टीट्यूट पे आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट का रिसर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस बेसिस पे आप उनको फर्दर शॉर्टलिस्ट कर दें और आपकी लिस्ट थोड़ी छोटी हो जाएगी। उसके बाद आप उनकी एनुअल रिपोर्ट को फिर थोड़ा डीपली पढ़ें, जिससे आपको ये पता चलेगा कि उनकी रिसर्च क्वालिटी क्या है। और रिसर्च क्वालिटी को चेक करने का तरीका है कि उस इंस्टीट्यूट से, उस स्पेसिफिक एरिया से कितने रिसर्च पेपर पर ईयर निकल रहे हैं, और अगर निकल रहे हैं तो उनकी क्वालिटी क्या है। इस बेसिस पे आप अपनी लिस्ट को और छोटी कर सकते हैं और उसके बाद आप उन इंस्टीट्यूट पे अप्लाई करें और एडमिशन प्रोसेस के थ्रू गुजरें। अब बात करते हैं कैसे आप अपने PhD इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। तो सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट पार्ट कि ये है कि इंटरव्यू आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके सारे बेसिक्स रिलेटेड टू सेल बायो, मॉलिक्यूलर बायो, जेनेटिक्स और जितने भी टॉपिक्स आपने CSIR के लिए प्रिपेयर किए हैं वो आपके क्लियर हैं। तो वो ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आपसे बेसिक्स के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछें। और मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप बायोफिजिकल टेक्निक्स पे ज़्यादा अच्छा कमांड करें, क्योंकि साइंटिस्ट बेसिकली इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे ज़्यादा क्वेश्चंस देते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस वो बनाते हैं वो अप्लाइड क्वेश्चंस होते हैं, जिससे उनकी क्वालिटी बढ़ सकती है। और एज अ टिप मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप जिस इंस्टीट्यूट में अप्लाई कर रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में आप चेक करें किस किस लैब में वैकेंट सीट्स हैं, और उस उन लैब से आप एटलीस्ट एक एक रिसर्च पेपर ज़रूर पढ़ें। और उनको पढ़ने के बाद आप एक लिस्ट बनाएं कि उन लोगों ने उन पेपर्स में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हैं, और एटलीस्ट उन इंस्ट्रूमेंट्स के प्रिंसिपल और उनके एप्लीकेशन बहुत अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि साइंटिस्ट वही क्वेश्चन पूछते हैं जो कि वो उस लैब में काम करा रहे होते हैं। और लास्ट में हम इस पे बात करेंगे कि आप अपने गाइड को कैसे सेलेक्ट करें। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें कि आपने जो रिसर्च प्रपोजल अपने एडमिशन के टाइम पे जमा किया है या प्रेजेंट किया है, तो ज़रूरी नहीं कि आप उस पे आपको उस पे काम करने को मिले, क्योंकि जितनी भी लैब्स होती हैं वो प्री स्टैंडर्डाइज्ड होती हैं और साइंटिस्ट यही सोचते हैं कि आप उनके काम को बढ़ाएं, क्योंकि दूसरा काम स्टार्ट करने में फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इंस्ट्रूमेंट लेवल पे और फैसिलिटीज़ लेवल पे। सेकेंडली, जब आप एडमिशन पा जाते हैं तो आपको गाइड प्रेफरेंस ऑर्डर मांगा जाता है, और आप प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे सेलेक्ट करें उसका क्राइटेरिया ये है, आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पे जाएं, उनकी पर्सनल प्रोफाइल्स पे देखें और ये चेक करें कि उन्होंने अभी तक अपने रिसर्च करियर में कितने पेपर्स निकाले हैं, और उनका पर ईयर पेपर निकालने की फ्रीक्वेंसी क्या है, और उनके पेपर्स की क्वालिटी क्या है। और क्वालिटी आप सिमिलरली आप उनके जर्नल के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि अगर हाई इंपैक्ट जर्नल्स में हैं तो उनकी रिसर्च क्वालिटी हमेशा हाई होगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आपको ये चेक करना है कि उस साइंटिस्ट के करियर में लैग फेज तो नहीं है, और अगर लैग फेज प्रेजेंटली प्रेजेंट है तो आप कोशिश करिए उसको प्रेफरेंस में ना डालें। और फाइनली मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, आप जिन भी साइंटिस्ट को अपने प्रेफरेंस ऑर्डर में डाल रहे हैं, कोशिश करें आप उनसे एक बार पर्सनली मिलें, आप एटलीस्ट उनके लैब में 2 स्टूडेंट से मिलें और ऑफर क्रॉस चेक, आप एडिसन लैब में भी स्टूडेंट से बात करें कि उस लैब में कैसा काम हो रहा है। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आप वहाँ पर सर्वाइव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई होप मेरा ये वीडियो आपके PhD एडमिशन्स में काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। और फाइनली आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो फॉर माई मोटिवेशन, सो दैट आई कैन शेयर मोर इन्फॉर्मेशन एंड टैक्टिक्स विद यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर PhD एडमिशन्स। थैंक यू।